मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संभागीय समीक्षा बैठक की है, जिसमें रीवा संभाग के सभी जिला के जिले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर यहां की स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए किए जा रहे व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने कई निर्देश भी दिए हैं। दरअसल सिंगरौली जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे लेकर काफी चिंता में हैं। इसी के चलते शिवराज सिंह चौहान ने संभागीय बैठक ली है, जिसमें सिंगरौली जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने 50 ICU बेड बढ़ाने और 20 कोविड बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंगरौली जिले में 50 ICU बेड बढ़ाए जाए। इसी के साथ ही उन्होंने 20 बेड और कोविड सेंटर बनाने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संभागीय समीक्षा बैठक में जो रीवा संभाग के 4 जिले थे उनकी समीक्षा की गई और जो सिंगरौली जिले में जो की व्यवस्थाएं हैं उनको और सुदृढ़ करने के बारे में निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जिले में जो ICU बेड की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करते हुए 50 अतिरिक्त बेड ICU के निर्मित करने के निर्देश प्रसारित किए गए। इसके साथ ही जो आगामी जो लहर है उसकी संभावना को देखते हुए 20 बेड का कोविड उपचार हेतु जो पेडियाट्रिक ICU की स्थापना करने की बात भी माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा कही गई है। इस तरीके से लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे हम सिंगरौली जिले में सुदृढ़ बना सकते हैं उसके बारे में उनके द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए, जिसको हम आने वाले समय में जल्दी से जल्दी पूरा कर और एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिले को हम दे पाएंगे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।